नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एचपीएन न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें नॉन स्टॉप। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में मोबाइल ले जाने पर पूरी तरह रोक। कोविड-19 को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट, महाराष्ट्र में 363 लोगों पर मामला दर्ज। लॉकडाउन 3 में 251 विशेष ट्रेनों से 3 लाख लोगों की घर वापसी। 10 राज्य के 21 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल को मिली मंजूरी। चीन से 600 अरब डॉलर का हर्जाना वसूलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल। इवांका ट्रंप के पर्सनल असिस्टेंट पाए गए कोरोना वायरस से संक्रमित। इटली वो तीसरा देश बना जहां कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 30,000 से अधिक। कोरोना पर WHO ने माना वुहान ही था वायरस का पहला ठिकाना। मोदी सरकार का फैसला, राम मंदिर ट्रस्ट में दान देने वालों को मिलेगी टैक्स में छूट। पंजाब सरकार ने 10वीं के छात्रों को प्रमोट करने का लिया फैसला, नहीं देनी होगी परीक्षा। कुवैत ने 20 दिनों के लिए लागू किया पूरे देश में लॉकडाउन, 7,000 हुई संक्रमितों की संख्या। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बयान, कोरोना वायरस के बावजूद बंद नहीं होनी चाहिए मीट मार्केट।